बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा दें। मंत्री उपेंद्र तिवारी के विभाग में घमासान मचा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, मंत्री उपेंद्र तिवारी के विभाग में घमासान, स्पोर्ट्स कॉलेज प्रिंसिपल पद पर घमासान हो रहा है। ये हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल को हटाने पर रोक लगाई थी और कोर्ट के स्टे के बावजूद हटाने की कोशिश की जा रही है। जितेंद्र यादव को मंत्री ने बना दिया था प्रिंसिपल, सरकार की नाक के नीचे घमासान जारी। देखिए मंत्री है और उन्हीं के विभाग में घमासान देखा जा रहा है। मंत्री उपेंद्र तिवारी के विभाग में घमासान मचा हुआ है। स्पोर्ट्स कॉलेज प्रिंसिपल पद पर एक घमासान देखा जा रहा है। कहा जा रहा है हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल को हटाने से रोक लगाई थी, स्टे लगाया था, उसके बाद भी प्रिंसिपल को हटाने की कोशिश की जा रही है और जितेंद्र यादव को मंत्री ने बना दिया था प्रिंसिपल, सरकार की नाक के नीचे ये घमासान जारी है। एक तरफ मंत्री के कहने पर ही जितेंद्र यादव को प्रिंसिपल बनाया गया, वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया, उसके बाद भी प्रिंसिपल पद से हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि सरकार के नाक के नीचे घमासान जारी है और हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद भी प्रिंसिपल को हटाने की कोशिश की जा रही है। वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। वीरेंद्र जी, देखिए मंत्री हैं उपेंद्र तिवारी, जिनके विभाग में घमासान मचा हुआ है, कोर्ट ने स्टे लगाया, उसके बाद भी हटाने की कोशिशें क्यों तेज है? देखिए लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल हैं विजय गुप्ता। हाँ, हाई कोर्ट ने इनको आदेश दिया था कि आप प्रिंसिपल का चार्ज ग्रहण करिए। हाँ, लेकिन जब से उपेंद्र तिवारी मंत्री बने हैं, हाँ, वो नहीं चाहते कि विजय गुप्ता यहाँ पर रहे प्रिंसिपल के रूप में। जी, तो हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद वहाँ पर जितेंद्र यादव को, हाँ, उन्होंने जो क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी है यहाँ के जिला क्रीड़ा, उनको चार्ज दे दिया प्रिंसिपल का। इसको लेकर घमासान मच गया, मारपीट की नौबत आ गई, कॉलेज में पुलिस बुलानी पड़ी और प्रिंसिपल ने शिकायत की विजय गुप्ता ने। तो सरकार की नाक के नीचे लखनऊ में इस तरह की चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जब कोर्ट ने विजय गुप्ता को कह दिया है कि वो अपने पद पर बने रहेंगे और कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं प्रशासन के अधिकारी, तो दर्शाता है कि इनकी मनता ठीक नहीं है और अपने लोगों के को स्थापित करके अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं। बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए मंत्री हैं और अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से शायद वो जितेंद्र यादव को मंत्री बनाने के लिए अपनी पहल करते हुए दिखाई दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।